सब्सक्राइब कीजिए टेकी जमीन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन, आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे एंड्रॉइड 12 के बारे में, जो बताना चाहूंगा XDA के एक यूजर ने यहाँ पे कुछ ऑफिशियल रेंडर्स यहाँ पे टीजर छोड़ा है, जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी एंड्रॉइड 12 के बारे में। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि एंड्रॉइड 11 अभी कई सारे डिवाइस में आना बाकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गूगल की तरफ से आपको एंड्रॉइड 12 का अपडेट यानी कि आने वाला है, पिक्सल डिवाइसेस के पहले में आएगा। लेकिन अभी जो आपको जो कुछ यूजर ने यानी कि XDA के एक यूजर ने यहाँ पे टीजर कुछ छोड़ा है, जिसमें आपको ये इमेजेस देखने को मिल जाती है। तो इसमें से कौन कौन से चेंजेस देखने को मिल जाती है जब हम पुराने वाले से कंपेरिजन करें, यानी कि एंड्रॉइड 11 से कौन कौन से चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं मेजर वाले, वो यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट में आपको जो आपको देखने को मिल जाता है, ये होम स्क्रीन देखने को मिल जाती है। ये होम स्क्रीन बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपको एक विजेट देखने को मिल जाता है, जो आप देख सकते हो कि बहुत सारे विजेट देखने को मिल जाता है। ये होम स्क्रीन का आपको एक स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 11 में जैसे ये सीन देखने को मिलता है वैसा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक जो टेम्परेचर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे टाइम डेट सब कुछ लिख कर आ रहा है। यहाँ पे आपको मुझे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको जो मोस्ट चेंजेस मुझे अच्छा लगा वो यहाँ पे आइकन्स है, क्योंकि जो आपको जो आइकन मिलते हैं जो स्टॉक वाले, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आइकन आपको थोड़े से ब्लू वाले देखने को मिलते थे, कैमरा का आइकन देखने को मिलता था। तो यहाँ पे आपको जो आइकन्स है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही चेंजेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे बताना चाहूंगा ये जो विजेट की जो आपको जो शेप है वो भी आपको एक राउंड शेप में देखने को मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा। तो देखते हैं कि ये आने वाले जो एंड्रॉइड 12 के जो आपको जो डिवाइस देखने को मिलता है वैसा ही सेम देखने को मिलता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बात करें हम दूसरे चेंजेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कन्वर्सेशन में आपको विजेट का एक सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आप सेटअप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे व्हाट्सएप हो गया, कोई भी मैसेंजर एप्लीकेशन हो गई, उसमें आपको कोई भी विजेट सेट करने हो तो यहाँ पे आपको विजेट सेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, यहाँ पे लुकआउट देखने में बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। ये सिर्फ आपको जो नोटिफिकेशन पैनल आएगा उसमें जो कोई आपको कन्वर्सेशन देखने को मिलेगा वो यहाँ पे कन्वर्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये चेंजेस भी बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे आप सीधा रिप्लाई भी कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन शायद देखने को मिल सकता है आने वाले एंड्रॉइड 12 में। चौथे अपडेट की बात करो तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल, तो नोटिफिकेशन पैनल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको पहले जो कन्वर्सेशन वाली नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको सारे मैसेजिंग ऐप के आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पे आपको जो जनरल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो ये बहुत ही अच्छा चेंजेस है। और यहाँ पे आपको जो शेप है वो भी आपको राउंड शेप देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मेजर मुझे अच्छा लगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन क्विक सेटिंग आता है वो यहाँ पे आपको चार आइकन देखने को मिल जाएगी, चार ही सेटिंग देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम दूसरे डिवाइस यानी कि एंड्रॉइड 11 से कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफली आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है क्विक सेटिंग। अगर आप चेंजेस करना चाहो तो 6 और हो जाते थे, यानी कि अभी तो 6 है लेकिन 5 भी देखने को मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 4 का ही सेटिंग देखने को मिल जाता है। तो ये अच्छा है, थोड़ा बहुत लुकआउट के मामले में बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो डेट है और टाइमिंग है उसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी चेंज कर दी है। लेकिन यहाँ पे जो गौर करने वाली बात ये है कि इसमें आपको बता देंगे जो कैमरा और माइक्रोफोन का आपको ग्रीन डॉट देखने को मिल जाता है। ये बेसिकली क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन कौन से यूज करे, यानी कैमरा यूज करे या हमारा माइक्रोफोन यूज करे, वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये प्राइवेसी के मामले में बहुत ही कमाल का अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन जैसे कि हम अपने होम स्क्रीन पे आ जाएंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी आपको सेम आइकन देखने को मिल जाता है, जैसे कोई यूज करता है, जैसे गूगल यूज करता है माइक्रोफोन अपना या फिर अपना कैमरा यूज करता है, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है ग्रीन डॉट में। तो ये भी बहुत ही कमाल का फीचर है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आपको शॉर्ट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल सा डॉट देखने को मिल जाएगा, एक छोटा सा ग्रीन वाला। इसी से भी हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कैमरा या माइक्रोफोन यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको चेंजेस करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा इस ऑप्शन में, यानी कि आइकन चेंजेस करने में। और बात करें तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी के ऑप्शन में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो कि आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन के थ्रू आपको डिसेबल करने का
नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली आप सारी एप्लीकेशन में डिसेबल कैमरा कर सकते हो, आप म्यूट माइक्रोफोन भी कर सकते हो और लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्राइवेसी के मामले में, क्योंकि सारी एप्लीकेशन को आपको अलग अलग आपको चेंजेस करना हो तो यहाँ पे नहीं बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे गूगल ने बहुत ही अच्छा किया है कि इसमें आपको डिसेबल कैमरा और जो म्यूट माइक्रोफोन है वो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सारी एप्लीकेशन में ये सारे ऑप्शन आप बंद कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। दूसरा जो चेंजेस है वो यहाँ पे आपको कैमरा सेक्शन में देखने को मिल जाता है। तो आप कैमरा सेक्शन जैसे ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको बता देगा, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे यूज हो रहा है कैमरा और आपका माइक्रोफोन, लेकिन यहाँ पे जो कैमरा लेआउट है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाए। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे हम कैमरा एप्लीकेशन खोलते हैं तो यहाँ पे आपको जो एंड्रॉइड 11 में जो आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो नीचे ही है वही सेम जैसा ही नीचे देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है, आइकन में माइनर सा ही चेंजेस है, लेकिन जो आपको जो नीचे की तरफ आपको जो जूम और जूम इन वाला जो ऑप्शन देखने को मिलता था वो यहाँ पे ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है। तो ये चेंजेस भी बहुत ही अच्छा है, लुकआउट के मामले में बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं कि ये एंड्रॉइड 12 का अपडेट कब तक आता है और किस टाइम पे आता है। हालांकि जो एंड्रॉइड 11 में सारे डिवाइस अभी बाकी है, कई सारे डिवाइस, लेकिन फिर भी अभी एंड्रॉइड 12 आने वाला है, तो देखते हैं कि कैसा यही आता है कि नहीं आता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको एंड्रॉइड 12 का ये फर्स्ट टीजर यानी कि ऑफिशियल जो पोस्टर है यानी कि जो फोटोज देखने को मिले हैं वो क्या आपको अच्छे लगे कि नहीं लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।